आगे भाई टर्न भी बहुत ही खतरनाक लग रहा है मेरे को भाई। ये यहाँ से रोड निकल आता हो वो भी भाई इतनी तेज आती है ना दोस्तों फोर व्हीलर्स वाले, तो अगर आप आ रहे हो तो भाई थोड़ा संभल के आना, फोर व्हीलर्स वाले भाई बहुत ही तेज़ी से आते हैं। तो पूरा ही गांव का इलाका है लगभग भाई, अब बहुत किलोमीटर हो चुके हैं भाई, गांव का रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमको मालूम भी नहीं है कि आगे हमको हाईवे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी मालूम नहीं है मेरे को। गांडी फोन ही मारी ना फोर भाई, ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रहे यार गाँव के दोस्तों, पूरा रोड ख़त्म है भाई, पूरा रोड ख़त्म है। पहुंच गए कौन सी प्लेस पे पहुंच गए, देखो भाई ये कुछ हेवन है भाई, सी हेवन भाई हेवन, हवाना क्या हवाना, ये देखो काफी सही लग रहा भाई ये प्लेस। ओ भाई अरे देखो गाइस ये बाइक हमारी, जो कि अब मैं ये राइड कर रहा था, पहले मैंने ये राइड की, बाद में वो करेंगे भाई थोड़े टाइम के बाद भाई, लेकिन लग तो सही रही है भाई, क्या ही लग रही है, मस्त एकदम सही लग रही है भाई। सो ये ना गाइस थोड़ा सा घाट सेक्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि मैप पे ना हल्के हल्के मुझे टर्न्स दिख रहे हैं। और ये ना दोस्तों पूरा का गांव का इलाका है, देखो पूरे लोग लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब लेके जा रहे हैं, और आगे भाई टर्न भी बहुत ही खतरनाक लग रहा है मेरे को। भाई रोड देखो, भाई रोड देखो तू, खाली एकदम जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना वैसा ही पूरी वाइब्स है। तो अभी तक ना गाइस 234 मुझे हमको किलोमीटर दिखा रहे हैं दूरी पे, तो देखते हैं। यहाँ पर भी शार्प टर्न है भाई, यहाँ के फोर व्हीलर्स को भाई मैंने नोट किया बहुत ज़्यादा तेज़ आते हैं भाई, इज्जत ही छह नहीं भाई हमको। अरे भाई ये यहाँ से रोड निकल आता हो, पगला गया है भाई ये, पगला गया है। चट्टी चट्टी वैसे ना दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा छोटा रोड है, तो मुझे डाउन शिफ्ट करनी पड़ रही है भाई बार बार, छोटे रोड है और ऊपर से चढ़ाई भी है। ओ भाई और रोड ना एकदम खाली है, एक बंदा भी नहीं है भाई रोड पे, बस खाली फोर व्हीलर्स मैंने ज़्यादा देखी है, और वो भी भाई इतनी तेज़ आती है ना दोस्तों फोर व्हीलर्स वाले, तो अगर आप आ रहे हो तो भाई थोड़ा संभल के आना, कि फोर व्हीलर्स वाले भाई बहुत ही तेज़ी से आते हैं, पता नहीं भाई इनको क्या होता है। जितने मैंने फोर व्हीलर्स को देखे ना यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े थे पुल पे भाई, सबके सब भाई क्या ही आ रहे हैं, ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे आ रहे हैं यार। व्यू देखो दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा ही डाउन हिल है भाई, पूरे के पूरे ऐसे ही रोड है भाई ये छोटे छोटे। सो आपको गाइस वीडियोस पसंद आए तो जरूर से लाइक करो गाइस, मुझे मालूम नहीं अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये हमारे मोटो ब्लॉग्स, सो भर भर के प्यार दिखाओ भाई इस मोटो ब्लॉग को, ठीक है भाई। टॉप गियर पे गाड़ी चलाने को नहीं मिल रही है, बार बार मुझे डाउन शिफ्ट ही करना पड़ रहा है, चढ़ाई बहुत है भाई, क्योंकि ये आपको इंस्टा पे नहीं दिखेगा कि चढ़ाई भाई कितनी है, ये इंस्टा गोप्रो वगैरह नहीं भाई तुम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल द रिटर्न
भाई क्या था भाई, मैप पे तो वही दिखा ही नहीं रहा था। थोड़े आराम से जाएंगे क्योंकि ये रूट ना हमारे लिए नया है। भाई भाई अब पूरा डाउन हिल, पूरा का पूरा डाउन हिल है भाई। ना दोस्तों पूरा ही गांव का इलाका है लगभग, भाई अब बहुत किलोमीटर हो चुके हैं भाई, गांव का रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमको मालूम भी नहीं है कि आगे हमको हाईवे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी मालूम नहीं है मेरे को। लेकिन अभी तक 225 किलोमीटर बाकी है और दिखा रहे हैं 4 घंटे 25 मिनट। अगर ऐसा ही रोड रहा तो भाई 5 घंटे तो लगने ही वाले हैं ना। यहाँ पर भी यार नैरो रोड है ये, पूरा ही भाई गांव का रोड है भाई, पूरा ही पूरा। वैसे रोड की कंडीशन तो ठीक है, ऐसा भी बुरा नहीं है रोड, मतलब बाइक चलाने के लायक है भाई। लेकिन बहुत हो गए भाई अब किलोमीटर, गांडी होने ही मारी ना पूरे। तो दोस्तों अभी 220 किलोमीटर बचे हैं भाई, ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रहे यार गांव के, मतलब क्या बोल रहे भाई। बस तुम बाइक चलाओ ना, शॉप्स है ना कुछ है, खाली साइड में बस ये झाड़ियाँ आपको दिख रही होगी और कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग। ठीक है अभी तक रोड भी मतलब ऐसे ही मिल रहा है, मुझे लगता है घाट वगैरह कुछ होगा पर ऐसा भी कुछ नहीं है, खाली नॉर्मल रोड जैसा ही है। और क्रूजिंग हमारी 50-60 के बीच में ही हो रही है, से आगे भी नहीं जा सकता वो भाई। ये ट्रक्स वाले कार्स वाले ना दोस्तों भाई इतना तेज आते हैं ना भाई 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 भाई, 219। और वो पहाड़ देखो भाई तुम, क्या ही पहाड़ दिखा भाई, अब सारे के सारे पहाड़ दिख रहे हैं। दोस्तों ये रोड देखो भाई क्या हालत हुई है रोड की, पूरा ही पैच गया है भाई, पूरा ही पैच गया है, क्या ही बोल सकते हैं। अब जाके एक शॉप नज़र आ गई भाई, अरे भाई अरे 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 भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई, हमको देखो तो भाई। एक तो साले रोड इतने छोटे और भाई ये इतने तेज आ रहे हैं, क्या भाई एटलीस्ट रोड तो देख लिया करो ना भाई। यार हाईवे मिलना चाहिए भाई वरना हमारे लग जाएगी, अगर ऐसा ही रोड होगा तो भाई पहुँचेंगे नहीं विजाडम भाई, क्या ही बोल सकते हैं ना दोस्तों। अगर पूरा ऐसा ही रोड रहा तो क्या करेंगे भाई, ये देखो ऊपर से ये साला लग रहा है कि कोई आके टपका ना जाए भाई, क्योंकि एक तो गाइस रोड है इतना भाई ये है ना ऊपर से छोटा है। अबे मेरा मैप नाइट मोड पे कैसे चला गया भाई, दोस्तों पूरा रोड ख़त्म है भाई, पूरा रोड ख़त्म है। कब से भाई किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे भाई, अभी भी देखो 212 किलोमीटर बाकी है, गिर ही नहीं रहे भाई किलोमीटर्स। वही तो हाईवे नहीं दिख रहा है भाई कब से, वही तो मेन प्रॉब्लम है, जब हाईवे दिखेगा तब अच्छा लगेगा भाई, अभी बहुत हो गया ये। हाँ गाइस अपना ये बाइक हम अब थोड़ा ब्रेक लेंगे, तब ये फिर से बाइक जाएगी योगेश के पास और मैं थोड़ा पिलियन में बैठूंगा भाई। भाई साला क्या नसीब है भाई, मेरे खटारा रास्ता मिला भाई चलाने को। तो आगे से हमको गाइस राइट लेना है, अब 1 किलोमीटर बाकी है। हाईवे वेयर इज हाईवे, हाईवे आ ही नहीं रहा भाई कब से, अब तो हम
हमको राइट लेना है। अभी देखते हैं भाई कौन सा रोड है क्या है। तो यहाँ से हमको राइट लेना है। हाँ भाई शायद मेन रोड सा लग रहा है मेरे को। बाद में सीधा 16 किलोमीटर पे, ये मार्केट का इलाका है भाई पूरा। पूरा का पूरा मार्केट है भाई। ओके ओके ओए भाई स्प्लेंडर को देखो भाई कैसे बाउंस। अरे अरे हम ही डाले मेरे बाउंस। क्या है भाई ये रोड साला खत्म ही नहीं हो रहा भाई। ओ सही है। अभी ट्रैक्टर पानी में है भाई। पहाड़ी पहुंच गए गाइस। दिस इज द पॉइंट बॉयज। क्या पॉइंट है वाह 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 भाई स्प्लेंडर वाले काका भाई ये क्या।